What's up guys, this is Sandeep and welcome back to the Let's Learn English with Sandeep Sagar. जैसा कि आज संडे है guys, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ viewers request English sentences. जो sentences आप लोगों ने पूछे comment box में, आज हम जानेंगे कि उसे English में कैसे translate करते हैं. तो video पसंद आए guys, तो like, share जरूर करें. आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर bell icon को click करें. चलिए video start करते हैं. आज का हमारा पहला sentence है guys, अब बारिश कम हो गई है, मतलब हल्की बारिश हो गई है. तो आप बोलते हैं इट्स ड्रिजलिंग नाउ. तुम वो बात क्यों निकालते हो? तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस. आप बोलेंगे व्हाई डू यू कम टू दैट पॉइंट. इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बनाते हैं. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, तुम्हें बोलने में क्या जाता है, मतलब तुम बोल सकते हो. तो इसके लिए आप बोलते हैं व्हाट डू यू लूज टू से. इस तरह से आप बनाते हैं. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, बारिश बढ़ गई है, मतलब बारिश तेज हो गई है. और तेज बारिश के लिए आप जनरली यूज करते हैं कैट्स एंड डॉग्स. तो आप बोलेंगे नाउ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, काफी समय से यहां कोई नहीं आया होगा. तो ये एक अनुमानित सेंटेंस है. तो आप बनाते हैं नोबडी वुड हैव कम हियर फॉर द लॉन्ग टाइम. जब से नया मैनेजर आए हैं तब से आप मुझे कॉल नहीं करते हो. तो इस तरह के सेंटेंस को आप बोलेंगे You do not call me since your new manager has come. या फिर आप बोलते हैं You don't call me since your new manager has come. बाल्टी में पानी भरकर बह रहा है, मतलब बाल्टी पूरी भर चुकी है, उसके बाद पानी बह रही है. तो आप इसकी इंग्लिश बोलेंगे The bucket is overflowing. का मतलब भरकर गिरना. तो आप बोलते हैं द बकेट इज ओवर फ्लोइंग. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, चल चल बड़े देखे हैं तेरे जैसे. तो ये भी कमेंट में पूछा गया है सेंटेंस. तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप बोलते हैं टू हेल विथ यू आई हैव सीन सो मैनी ऑफ योर काइंड. टू हेल विथ यू आई हैव सीन सो मैनी ऑफ योर काइंड. हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, वह अपनी आदत से मजबूर है. अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं है. तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हैं ही इज फोर्स्ड बाय हिज हैबिट्स. इस तरह से आप बनाते हैं, वो फोर्स्ड है अपने हैबिट से. मैं ट्रैफिक में फंस गया था, है ना, कहीं आप लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं. तो आपको इस तरह के सेंटेंस बोलनी होती है. तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक. इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं. तो हमारी अगली सेंटेंस है गाइस, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तो बच्चों जैसी बातें कर रहने का इंग्लिश होता है गाइस, आप बोलते हैं इसको व्हाई आर यू थ्रोइंग टैंट्रम्स लाइक अ किड. इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बनाते हैं. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, मुझे अपना ही समझो अपना ही मानो. तो दोनों की इंग्लिश सेम होगी. आप बोलेंगे ट्रीट मी एज योर ओन. इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं. कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है, ये एक इडियम्स है गाइस और इसकी इंग्लिश होती है अ डॉग्स टेल ऑलवेज क्रूक्ड. इसका मतलब है जो इंसान जैसा रहता है वैसा ही रहता है, वो ठीक नहीं हो सकता. नेक्स्ट,
शादी के चक्कर में मैं तुम्हें कॉल करना ही भूल गया। तो इस तरह के सेंटेंस भी पूछा गया है कमेंट में, आप इसको इंग्लिश में बनाते हैं। आई फॉरगॉट टू कॉल यू ड्यू टू मैरिज, मतलब आई फॉरगॉट टू कॉल यू ड्यू टू मैरिज, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं। हमारी अगली सेंटेंस है गाइस, तुम उसे क्या मानते हो रिश्ते में, मतलब रिश्ते में तुम उसे क्या मानते हो, क्या समझते हो। तो आप इसको इंग्लिश में पूछते हैं, व्हाट डू यू कंसीडर हिम इन रिलेशन, व्हाट डू यू कंसीडर हिम इन रिलेशन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बारिश में भींगना अच्छा लगता है। तो ये भी पूछा गया है, आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं। आई लव टू ड्रेंच इन द रेन, आई लव टू ड्रेंच इन द रेन, इस तरह से आप बना सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, खिड़की को आधा खुला छोड़ दो, मतलब खिड़की को आधा खुला छोड़ दो। तो इसके लिए आप बोलते हैं लीव द विंडो अजार, अजार का मतलब होता है आधा खुला। ये दरवाजे के लिए भी यूज हो सकता है, खिड़की के लिए भी और किसी के लिए भी। माना जा रहा है कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, मतलब तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में बनाते हैं गाइस, द पॉपुलेशन इज बिलीव्ड टू बी ग्रोइंग रैपिडली, द पॉपुलेशन इज बिलीव्ड टू बी ग्रोइंग रैपिडली, इस तरह से बनाते हैं इसको। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, वह जल्दी में लग रहा है। मान लो आप किसी दोस्त को देख रहे हो और वो जल्दी में कहीं जा रहा है, आप बोलते हो वह जल्दी में लग रहा है। तो आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं, ही सीम्स टू बी इन हरी। लगना के लिए आप सीम्स का प्रयोग करते हैं, आप बोलते हैं ही सीम्स टू बी इन हरी, वह जल्दी में लग रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, हमें वहां जाना पड़ सकता था। मान लो आप कहीं जाना नहीं चाहते थे, आप बोल रहे हैं हमें वहां जाना पड़ सकता था। तो आप इसको इंग्लिश में बनाते हैं, वी कुड हैव हैड टू गोन देयर, वी कुड हैव हैड टू गोन देयर, इस तरह से आप इसको बनाते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, उससे मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, किसी से मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, इसके लिए आप बनाते हैं, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग हैविंग मेट हिम, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग हैविंग मेट हिम। यहाँ लड़के की बात हो रही है इसलिए हिम का यूज़ किया गया है। वह रोजाना एक गिलास दूध पीता है, तो डेली वो एक गिलास दूध पीता है ना, तो इसके लिए आप बनाते हैं, ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, तुम मुझे अपने से लगने लगे हो, तुम मुझे अपने से लगने लगे हो। तो इसके लिए आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, यू आर बिकमिंग वन ऑफ माई ओन, यू आर बिकमिंग वन ऑफ माई ओन, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, हम लोग गपशप कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो इसकी इंग्लिश होगी, वी वर गॉसिपिंग, गॉसिप का मतलब गपशप करना। तो आप बोलते हैं वी वर गॉसिपिंग। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। आपके मन में जो भी सेंटेंस है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट संडे। सो मिलते हैं गाइस एक अगली वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।